अस्सलाम वालेकुम, मैं जुलेखा अरफात जुलेखा किचन से। तो बकरी स्पेशल रेसिपीज बना रही हूँ। तो आज बन रही है देगी व्हाइट मटन पुलाव, बहुत ही मजेदार जबरदस्त बनता है, आप उंगलियां चाटते रह जाओगे। अच्छा, इसके साथ मैंने रायते के साथ सर्व किया है। वैसे रायते की रेसिपी भी मैंने मेरे चैनल पर अपलोड की है, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप चेक कर लीजिएगा। तो चलिए क्विकली शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पुलाव बनाते हैं आज का। चलिए, ये है तकरीबन 750 ग्राम मटन, इसमें आधा किलो बोनलेस है और 1/4 kg जितना हड्डियों वाला गोश्त है। दोनों डालते हैं तो अच्छा रहता है, आप आपके हिसाब से डाल सकते हैं, जैसा गोश्त लेना है वैसा ले सकते हैं। अच्छा, मैंने 750 ग्राम लिया है, आप चाहें तो आधा किलो यानी कि 500 ग्राम भी ले सकते हैं या उससे ज़्यादा, मतलब 500 से 750 ग्राम के दरमियान आप गोश्त ले सकते हैं। चर्बी निकाल ली है मैंने, 2-3 पानी से धो के नितार कर मैंने, अब मैं है ना डायरेक्टली ये जो कुकर है उसमें डाल देती हूँ। यहाँ डाल दीजिए एक बड़ा गड्ढा लहसुन का, और मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज को मोटा मोटा काट लिया है, ये भी डाल देती हूँ मैं, और 2.5 इंच का अदरक का टुकड़ा साबुत डाल दीजिए, मैंने छील के और धो के डाला है। और यहाँ मैं 2 हरी मिर्चियाँ डाल रही हूँ, आप कम या ज़्यादा अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, मुझे ज़्यादा ये जो पानी है यखनी में चाहिए नहीं स्पाइस। 2 तेज पत्ता डाल दीजिए, 1 डंडी दालचीनी की, 3-4 लौंग, 2 काली मिर्च और 3 हरी इलायची, और यहाँ 1 छोटे चाय का चम्मच साबुत जीरा, नमक स्वाद अनुसार, 1 बड़ी इलायची, 1/2 टुकड़ा बादियान। अच्छा, यहाँ पर ना मैं डाल देती हूँ 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ सौंफ, और 2.5 टेबलस्पून मैं डाल रही हूँ साबुत धनिया, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, अब ये जो धनिया और जो सौंफ है ना 2.5 टेबलस्पून, आप चाहें तो एक छोटी सी पोटली बना लें, नैपकिन लें और उसमें पोटली बनाकर इसमें डाल दीजिएगा, पर मेरे पास नहीं है तो मैं यहाँ ऐसे ही डायरेक्टली डाल रही हूँ। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 4 कप पानी, और इसे ढक कर सबसे पहले तो फास्ट आंच कर दीजिए और 1 सीटी खिला लीजिए। जब 1 सीटी हो जाए तो चूल्हा कर दीजिए स्लो आँच और इसे तकरीबन 15 मिनट स्लो आँच पर रहने दीजिए। तब तक आगे का प्रोसीजर कर लेते हैं। ये 1/2 टेबलस्पून सौंफ है, इसे बहुत अच्छा बिना पानी डाले इस तरीके से पाउडर करके पीस लीजिए। ये गरम मसाले हैं, प्याज है और हरी मिर्च है, मैं आपको बताऊंगी आगे क्या करना है। चूल्हा कर देती हूँ बंद, और अच्छा प्रेशर निकल जाए तो आप सबसे पहले खोल लीजिए और हमारा जो मटन है उसे चेक कर लीजिए। तो ये आप देख सकते हैं मेरा परफेक्टली गल चुका है माशाल्लाह। तो अब क्या करना है मालूम है, एक एक करके ये जो मटन के पीसेस है ना नितार नितार कर इन्हें साइड पर रखते जाइए। कोशिश कीजिए जो हमने साबुत चीजें डाली हैं वो बीच में ना आए, थोड़ी बहुत आ जाएंगी तो चलेगा, लेकिन कोशिश कीजिए जितना आप नितार नितार के ले सको तो उतना नितार नितार के लेते जाइए। तो ये देखिए मैंने साइड पर सारा निकाल लिया है, आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर जो लहसुन है ना उसे भी निकाल लीजिए, और जो अदरक है उसे भी निकाल कर साइड पर रख दीजिए, उसे हम आगे जाके इस्तेमाल करेंगे। अब ये जो मटन का स्टॉक कहिए या यखनी कहिए, इसे आप सबसे पहले छान लीजिए, और जो बचा हुआ गूदा है ये सारा, इसे बहुत अच्छे से चम्मच की मदद से निचोड़ते जाइए, जितना इसका कस निकलता जाए उतना निकाल लीजिए, और फिर ये जो बचा हुआ होगा ये सब इसको आप फेंक दीजिएगा, है ना। तो ये मैं अच्छे से प्रेस करते जा रही हूँ और इसे साइड पर रख देती हूँ। अब बघार लेते हैं, पतीली के अंदर तेल डाल दीजिए, चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए। मैं थोड़ा तेल डाल रही हूँ और 2 टेबलस्पून भर कर मैं असली घी डाल रही हूँ। असली घी डालते हैं तो एक फ्लेवर अच्छा आता है, आप चाहे तो टोटली पूरी तरीके से असली घी में भी बना सकते हैं। चलिए, यहाँ पर मैंने रखी है 3 मीडियम साइज की प्याज, बारीक लंबी लंबी स्लाइस करी हुई, इसे आप बार बार चलाते जाएं और इसे फास्ट आंच पर फ्राई करें। आपने तब तक फ्राई करना है जब तक लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। तब तक मैं आपको ये गरम मसाले बता देती हूँ ये क्या क्या है। 1 टुकड़ा डांडी दालचीनी की, और 1 छोटा चाय का चम्मच साबुत जीरा, आप चाहें तो शाह जीरा भी डाल सकते हैं, 3 हरी इलायची, 1 तेज पत्ता और 3-4 लौंग, आप चाहे तो शाहजीरा भी ले सकते हैं। अभी मैं फिलहाल इसे साइड पर रख देती हूँ, पहले प्याज लाल हो जाने दीजिए। चलिए, प्याज लाल हो चुकी है तो अब क्या कीजिए, मैंने चूल्हा स्लो कर दिया, और आधी प्याज है ना इस तरीके से नितार कर निकाल लीजिए एक प्लेट में, और इसे थोड़ा सा फैला दीजिएगा, और जल्दी से 1/4 कप जितना पानी डाल दीजिए, सो दैट ये जो प्याज है ना वो और आगे लाल ना हो जाए और काली ना हो जाए, क्योंकि काली हो जाएगी तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। गरम मसाला डाल दीजिए, मैंने 1 टेबल स्पून क्विकली पहले अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया,
और इसे मिक्स कर लीजिए। मैं एक और 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ, मतलब 2 टेबलस्पून हो गया। चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए और इसे बहुत अच्छे से भून लीजिए। प्याज को फैला दीजिएगा प्लेट में और साइड पर रख दीजिए। जब अदरक लहसुन बहुत ही अच्छे से भून जाए, कच्चापन निकल जाए अदरक लहसुन के पेस्ट का, तब डाल दीजिए 1/4 चाय का चम्मच कुटी हुई हरी मिर्च। आप ज्यादा भी डाल सकते हैं, मैं कम डाल रही हूँ, और आप चाहें तो पीस कर भी डाल सकते हैं, मैंने कूट कर डाला है। एक बार चला लीजिए, उसके बाद ये जो गोश्त है, ये जो साइड पर रखा है, वो डालकर इसे फास्ट आंच पर फ्राई करें। बार बार चलाते जाएं, तब तक पकाएं जब तक थोड़ा सा तेल नहीं छूट जाता। बस जस्ट तेल छूट जाए, हल्का सा नमक डाल दीजिए, ज्यादा मत डालिएगा। 1/2 कप दही डाल दीजिए। अच्छा, ये जो अदरक हमने जो साइड पर रखी थी, जो पक कर जो हमने स्टॉक में से निकाला था, उसे इस तरीके से मैं रफली चॉप करके डाल देती हूँ। और ये जो हमारी लहसुन है, ये पूरी पकी हुई है, इसे हाथों की मदद से इस तरीके से मसल कर डाल दीजिए और बार बार चलाते जाएं फास्ट आंच पर 1 मिनट तक। ये जो दही है, इसे बार बार चलाते हुए पका लें। 1 मिनट हो जाए तो यहाँ पर मैं सौंफ का पाउडर जो बनाकर रखी थी वो सारा डाल देती हूँ। यहाँ पर आप खूब सारी बारीक कटी हुई कोथमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए। 2 मीडियम साइज के टमाटरों को इस तरीके से पहिए कर कर डाल दीजिए, एक बार चला लीजिए। इसके साथ साथ 1 छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर भी डाल दीजिए। मिक्स कर लीजिए और इसे भून लीजिए। तकरीबन 1-1.5 मिनट ही भूनना है, या तब तक भूनिए जब तक हल्का सा तेल ऊपर नहीं आ जाता। बस 1 मिनट ही लगेगी। तब तक मैं आपको चावल का बता देती हूँ। मैंने 700 से 750 ग्राम बासमती चावल लिए। ये देखिए हल्का सा तेल छूट गया ना। अब मैं चूल्हा स्लो कर देती हूँ और सबसे पहले तो मैं यहाँ स्टॉक या यखनी जिसे आप कहते हैं, मैं इसका पानी पहले नाप कर डाल रही हूँ। वही कप लिया है जिस कप से मैंने चावलों को नापा है। तो ये टोटल मेरा जो है 3/4 कप निकला है स्टॉक, और मैं 3/4 कप फ्रेश पानी डाल रही हूँ। मतलब इन टोटल मैंने 6.5 कप पानी डाला है। जो मेरे चावल हैं वो होते हैं 4 कप ये वाले कप के हिसाब से। अच्छा, यहाँ पर नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार। यहाँ ध्यान रखिएगा कि स्टॉक में भी नमक था। और फास्ट आंच पर चूल्हा चालू कर दीजिए और इसमें एक उबाल आ जाने दीजिए। और जब तक उबाल आ रही थी ना, मैंने 3 बार पानी से धोकर थोड़ी देर पानी में नितारने रखा था चावलों को, तब तक ही जब तक उबाल नहीं आ रहा था। बस उबाल आ गया, ये चावलों को नितार कर डाल दीजिए सारे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर। फास्ट आंच पर पकने दीजिए, तब तक पकाएं जब तक ऑल द मोस्ट चावलों का पानी सूख नहीं जाता। ये देखिए ऑल द मोस्ट सूखा है। एक बार ही चलाइएगा बीच में। बस चूल्हा कर दिया मैंने स्लो आंच और खूब सारी बारीक कटी हुई फिर से मैं कोथमीर डाल देती हूँ यानी कि हरा धनिया। और ये जो बिरिस्ता साइड पर रखा था, आप चाहें तो पूरा डाल दें, मैं थोड़ा सा रख रही हूँ प्रेजेंटेशन के लिए। अब इसके ऊपर हरी मिर्चियों को मैं इस तरीके से स्लिट मार मार कर डाल रही हूँ, ऑप्शनल है, आपने नहीं डालना तो कोई बात नहीं। ढाक दीजिए, ढाक कर उसके ऊपर कुछ वजन रख के 15-20 मिनट तक दम पर रहने दीजिए। अच्छा, मैं नीचे तवा रख रही हूँ क्योंकि मेरी पतीली थोड़ी पतली है। आपकी मोटी हो तो तवा भी मत रखिएगा, लेकिन बेस्ट है तवा, मैं तो हमेशा रखती ही हूँ। और इसे 15-20 मिनट तक पकने देती हूँ। चलिए 15-20 मिनट हो चुके हैं। सबसे पहले चूल्हा कर दीजिए बंद और ये जो तवा है उसे साइड पर हटाकर पतीली को ऐसे ही रहने दीजिए 10 मिनट तक। 10 मिनट के बाद खोलिएगा। तो चूल्हा जब मैंने बंद किया उसके 10 मिनट के बाद मैंने खोला और ये देख सकते कितनी खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह, और मज़ेदार खिले खिले खुले खुले से चावल बने हैं। एकदम नरम नहीं हुए हैं और कच्चे भी नहीं हैं, एकदम परफेक्ट बनी है हमारी देगी मटन वाइट पुलाव, बढ़िया सी। अच्छा, गोश्त और चावलों का मिजान आप इक्वल रख सकते हैं 750-750 ग्राम्स, या फिर दोनों में से एक को 750 ग्राम्स और दूसरे को 1/2 किलो कर सकते हैं। 1 से 2 बात शेयर करना चाहूँगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हरी मिर्चियाँ अपने स्वाद अनुसार डालें, मैंने कम डाली है। मैंने 2-3 जगह पर, आपने देखा अलग अलग जगह पर मैंने हरी मिर्चियाँ डाली, आप एक ही समय डाल सकते हैं और ज़्यादा डाल सकते हैं। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि पानी आपने देखा तकरीबन मैंने 1.5 कप कम डाला क्योंकि मेरे चावलों के हिसाब से मैंने पानी डाला है। अब आपके चावल अगर वैसे ही हैं तो आप 1.5 कप पानी कम डालिए, नहीं तो यूजुअली क्या होता है ना, अगर 4 कप अगर आप चावल ले रहे हो तो उसका डबल पानी ही डाला जाता है, मतलब 8 कप। अब वो आपके चावलों के ऊपर डिपेंड है कि आपके चावल वैसे हैं तो आप 8 कप पानी डालिए, या फिर मेरी तरह 6-6.5 कप डालिए जिसमें 1.5 कप पानी कम है, तो आपके हिसाब से डालिएगा। चलिए अब मैं इसको गार्निश कर लेती हूँ, ये जो पिरिस्ता मैंने साइड पर रखा है उससे और थोड़ी सी कोथमीर से, और मैं इसे सर्व कर रही हूँ रायते के साथ।
तो है ना मजेदार रेसिपी आज की। अगर आप ये रेसिपी बनाए तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। और ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए ये वाली वीडियो को, और उससे ज्यादा अच्छी लगे अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाली वीडियो के लिंक्स फॉरवर्ड कीजिएगा। सो फिर से हाजिर होंगे एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।